गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज हमारा टॉपिक है साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, ऐसे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है, उसे किस टाइप से लिखा जाता है और उसे क्यों बैलेंस किया जाता है। अच्छा, इसके सेकेंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम बहुत सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शंस, एंड लास्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि दो टाइप से मिक्सिंग में बनती है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ओके, देन फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से जैसे नाम से पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना, जिसमें हमने ये भी सीखा था किसी भी रिएक्शन को लिखने से पहले हमें ये याद रखना है कि जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन से बाद बनता है उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, नाउ टॉपिक इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि Cu कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाता है कॉपर ऑक्साइड। मीन कॉपर और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और कॉपर का ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। गॉट इट? ओके, देन सेकेंड इज डीकम्पोजिशन। नाम से क्लियर है, डीकम्पोज यानी कि टूट जाना, डीकम्पोज टूट जाना, जिसमें एक रिएक्टेंट टूट कर या ब्रेक डाउन होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, दीज रिएक्शंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शंस भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि FeSO4 हीट करने पर Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। देखिए इसमें FeSO4 क्या है, ओनली सिंगल रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट्स आर 3, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज थर्मल एंड सेकेंड इज फोटो लाइटिंग। थर्मल ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट की ज़रूरत होती है, जो हीट को देने पर ही या हीट पैदा करने पर ही रिएक्शंस होती हैं, उन्हें कहते हैं थर्मल रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं, आपका कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने पर किस किस में टूटता है बताइए, किस किस में टूटेगा, CaO कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, दीज रिएक्शंस इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शंस। ओके, देन हम फोटोलाइटिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जिसमें फोटो मतलब सनलाइट की नीड होती है, जो केवल सनलाइट में ही हो सकती है, दीज एग्जांपल AgCl, Ag साइन है किसका, सिल्वर का, AgCl सिल्वर क्लोराइड को सिर्फ सनलाइट में रखा जाता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है AgSilver प्लस क्लोरीन में। ये रिएक्शंस कहलाती है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जिसका यूज़ किया जाता है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, इसका यूज़ किया जाता है। ओके, द थर्ड रिएक्शन इज डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ये डिसप्लेस मीन एक एलिमेंट का दूसरी जगह डिसप्लेस हो जाना। इन रिएक्शंस में क्या है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड में से एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, जिसमें एक एलिमेंट कंपाउंड में से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, दीज रिएक्शंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हमें Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें क्या है, जो Fe है आयरन वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शंस के बाद ये क्या करता है, Fe कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह FeSO4 के साथ अपना एक कंपाउंड बना लेता है, देन Fe
FeCO4 में और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है. दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. गॉट इट? ओके. डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है पर डबल हो रहा है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक आयन दूसरे के पास और दूसरे का आयन पहले के पास, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सपोज जस्ट एग्जांपल इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 Ba बेरियम Cl क्लोराइड. जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड की रिएक्शंस होती है तो बनता है BaSO4 प्लस NaCl. देखिए डिस्प्लेस किस में हुआ, Ca पहले सोडियम के साथ साथ सल्फेट, लेकिन अब क्या बेरियम के पास सल्फेट है, वैसे बेरियम के पास था क्लोराइड लेकिन अब सोडियम के पास क्लोराइड है, मतलब सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट बेरियम के पास हुआ है और क्लोराइड Cl का डिस्प्लेसमेंट Na के पास हुआ है, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए दोनों के आयन्स टूट गए, इसके आयन टूटे Na और SO4 में, इसके आयन टूटे आपके Ba और Cl में और दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया. Na Cl से ज्वाइन हुआ है और Ba SO4 से ज्वाइन हुआ है, इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके, अब इसके बाद हमारी रिएक्शंस आती है रिडॉक्स. रिडॉक्स मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए हमें यह समझना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कौन सी होती है, रिडक्शन कौन सी होती है. ओके, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना. ओके, ज्वाइन ऑक्सीजन एंड रिड्यूस और कम हो जाना किसका, हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का रिड्यूस या रिमूवल, हम रिड्यूस की जगह रिमूवल भी लिख सकते हैं, रिमूवल. हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ओके, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं Cu प्लस ऑक्सीजन, कॉपर Cu कॉपर, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो बनाता है 2CO, कॉपर का ऑक्साइड बनाता है. तो ये क्या है, ऑक्सीजन पहले कॉपर के साथ कंबाइंड होके बनाता है CuO, दिस इज अ ऑक्सीडेशन, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीडेशन ज्वाइन हो रही है, जुड़ रही है. देन अनदर, अब रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है ज्वाइन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना एंड रिमूवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना. जैसे कि एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड ही ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो बनता है कॉपर प्लस H2O. इसमें क्या था, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाता है और कॉपर से ऑक्सीजन क्या है, रिमूव हो गई, इसलिए कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रिडक्शन हो गया और फर्स्ट इक्वेशन में कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो गया. इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइंड कहा जाता है, इसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें एक साइड एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरी साइड उसका रिडक्शन हो रहा है. दैट्स इट. चलिए इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक वो रह गया है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन हमारे नेचर में बहुत टाइप से पाया जाता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन बहुत टाइप से पाया, वन इज रेंसिडिटी एंड सेकेंड इज कोरोजन. ओके, हम अगर कोरोजन की बात करते हैं अपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे जगह से, रस्टिंग ऑफ आयरन, देखा है ना, आयरन के ऊपर कुछ टाइम के लिए अगर मॉइस्चर में रख दिया जाए तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम कहते हैं हाँ लोहे में जंग लग गया. लेकिन अगर ये फिनोमेना अगर आयरन के साथ हो रहा है तो हम कहते हैं रस्टिंग, लेकिन अगर सभी मेटल्स की बात करते हैं दिस इज कॉल्ड कोरोजन. जैसे कि सिल्वर का धीरे धीरे ब्लैक पड़ते चले जाना, कॉपर का धीरे धीरे ग्रीन होते चले जाना, दिस इज द कोरोजन. एक्चुअली क्या होता है, जब मेटल्स एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, मॉइस्चर में आता है कुछ टाइम के लिए, एयर में ऐसे छोड़ दिया जाता है तो उसके ऊपर उस मेटल की ऑक्साइड की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन. सेकंड टॉपिक इज रेंसिडिटी. रेंसिडिटी क्या है, फैटी और ऑयली फूड को अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, यू हैव नोटिस, तो थोड़ा में स्पॉइल हो जाता है, बैड स्मेल आने लगती है और खाना हम कहते हैं बेकार हो गया. इट्स मीन क्या है, और खाने को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया तो वो ऑक्सीडाइज, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाता है जिससे कि बैड स्मेल आने लगती है. इसे बचाने के लिए
हम नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे फूड्स भी आते हैं जो काफ़ी टाइम तक पैकेट्स में बंद करके रखे जाते हैं, स्पॉइल नहीं होते, क्योंकि उसमें उन पैकेट्स में नाइट्रोजन को इवॉल्व कराया जाता है, उनके साथ पैकेट्स में फिल कर दिया जाता है नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो ऑक्सीडेशन को बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है, बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। जैसे कि चिप्स के पैकेट्स हैं, उसमें आप ध्यान दें जब आपसे पैकेट्स को खोलते हैं तो गैस से निकलती है, जो कि क्या अंदर चिप्स को काफ़ी टाइम तक सॉफ्ट और टेस्टी बनाए रखती है और ऑक्सीडेशन से बचाती है, और नाइट्रोजन इस गैस ही इस वर्क के लिए यूज़ की जाती है। ओके, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।